Hey guys, it's me Adit Kundra from Adit Guitar Lessons. Aaj jo hum song sikhenge, it's a new song and it's from an indie pop band called Sanam. And the song is called Jaane De Mujhe. It's a nice song. But before we get into the lesson, main aapko do cheeze batana chahunga. Pehli cheez to maine apna ek guitar course start kiya hai jiska naam hai Learn Guitar in 30 Days. To uska jo link hoga niche description box mein bhi hoga. Ya aap YouTube mein agar meri playlist mein jayenge to aapko pura playlist dikh jayega. Kuch 66 videos hain. It's an absolutely free course. And it's a fantastic course, right? So do check that out. And second thing that I want to tell you is that I have a website which is called aditsguitarlessons.com. Okay, so in that, all my songs, written tabs, lyrics, chords, you will get all of it. Plus, there are also articles on music theory, I write blogs, etc. So that you will see that. I'm sure it's going to help you out. Alright, so your song is, we get into the lesson. In this, only तीन चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगा. दो चीज़ें जो है वो कॉर्ड रिलेटेड है और एक इसकी स्ट्रमिंग है. राइट, सो कॉर्ड रिलेटेड क्या है? पहली चीज़ तो इसमें एक कॉर्ड यूज होती है विच इज नॉट अ रेगुलर मेजर माइनर कॉर्ड, इट्स अ B7 डोमिनेंट 7. इस सॉन्ग में मैंने फर्स्ट ट्रैक में मैंने केपो लगाया हुआ है. ठीक है, ये जो सॉन्ग है ये असल में एफ माइनर के स्केल पे है, लेकिन केपो फर्स्ट ट्रैक में लगा दिए तो इट बिकम्स एन ई माइनर. सो हाँ, तो एक पहली जो चीज आपको बतानी चाहिए वो एक कॉर्ड है जिसका नाम है B7 डोमिनेंट 7, इसको बोला जाता है. राइट, ये अगर आप B7 नहीं बजाना चाहें तो आप नॉर्मल बी मेजर भी बजा सकते हैं, लेकिन B7 करेंगे तो इट विल साउंड एग्जैक्टली लाइक द ओरिजिनल सॉन्ग. ठीक है, ये कैसे बजानी है? अपनी मिडिल फिंगर को फिफ्थ स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पर रखिए, अपनी फर्स्ट फिंगर को फोर्थ स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट में, अपनी रिंग फिंगर को थर्ड स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट में, जो सेकंड स्ट्रिंग है वो ओपन रहेगी, एंड फर्स्ट स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट में अपनी लिटिल फिंगर. ठीक है, तो बेसिकली आपकी साउंड ये होगी.
nice sounding chord. ठीक है, तो बी सेवन इसे बोलते हैं, बी डोमिनेंट सेवन. लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको नॉर्मल बी मेजर भी बजा सकते हैं, जैसा मैंने पहले बोलता है. ठीक है, बट आई प्रेफर टू प्ले बी सेवन बिकॉज ओरिजिनल सॉन्ग जो है उसमें अगर आप ध्यान से सुनेंगे बी सेवन ही बजे. ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये. दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मैंने ज़रा सा चेंज किया है. राइट, सेकेंड चीज जो है उसमें, सेकेंड चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि इसमें मैंने जरा सा स्मॉल सा चेंज किया है. वो आपकी मर्जी, आप ना भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसका जो वर्स है, वर्स कैसे है, ई माइनर एंड देन उसके बाद डी मेजर है. ठीक है, ई माइनर के बाद डी मेजर एंड देन बैक टू एन ई माइनर. लेकिन थोड़ा रेपिटेटिव लगता है मेरे को. तो आप अगर मेरे वीडियोस देखते हैं आपको पता ही होगा कि मेरे को रेपिटेटिव चीज़ें पसंद नहीं है. तो मैं काफ़ी बार डी मेजर की जगह उसका रिलेटिव माइनर बी माइनर प्ले करता हूँ. ठीक है, इट साउंड्स नाइसर देन अ डी मेजर. इंस्टेड ऑफ मैं करता हूँ. आप चाहें तो वो बी माइनर की जगह डी मेजर भी बजा सकते हैं. इट्स टोटली इट बी योर कॉल. ठीक है, तो देख लीजिएगा. चलिए, फाइनल चीज है इसका रिदम सेक्शन. रिदम में दो चीजें हैं. पहली चीज है इसकी स्ट्रमिंग एंड दूसरा है इसके फिंगर पिकिंग. पहले मैं आपको फिंगर पिकिंग बताया था. फिंगर पिकिंग में जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इट डज नॉट रियली मैटर कि आप क्या फिंगर पिकिंग पैटर्न प्ले कर रहे हैं. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि आपको जहां पे कॉर्ड चेंज हो रही है वहां पे आपने उसका उस कॉर्ड का रूट नोट या उसका बेस नोट प्ले करना है. तो अगर मान लीजिए मैं ई माइनर प्ले करता हूँ तो ई माइनर का रूट नोट होता है ई. तो मैं ई से स्टार्ट करूंगा. उसके बाद मैं कुछ भी प्ले कर सकता हूँ, कुछ भी ऑर्डर में कोई भी स्ट्रिंग को आप प्ले कर सकते हैं. मान लीजिए मेरे को ए मेजर बजानी है. ए मेजर का रूट नोट होता है ए. मैं पहले ए बजाऊंगा, कुछ भी बजा सकता हूँ, कुछ भी ऑर्डर में आप प्ले करिए. ठीक है, एंड मान लीजिए डी मेजर है तो डी का बेस नोट होता है डी. कुछ भी बजाइए, कुछ भी ऑर्डर में प्ले कर सकते हैं. जैसे इस गाने में ई माइनर से डी मेजर है तो मैं कर सकता हूं. इसको मैं किसी और तरीके से भी बजा सकता हूं, जैसे पॉइंट बीइंग कि आपने जहां पे कॉर्ड चेंज हो रही हो आप अपने उस कॉर्ड को चेंज करके उसका बेस नोट प्ले करा, बाद में आप कुछ भी बजा दीजिए. ठीक है, सो डजंट रियली यू डोंट नीड टू फॉलो एनी पैटर्न, अपनी मर्जी से कुछ भी बजाइएगा. सेकंड चीज है इसकी जो स्ट्रमिंग है. स्ट्रमिंग में क्या करता हूं, so that's the lesson. I hope you enjoyed the lesson as well as the cover. जैसा कि मैंने बताया था, दो चीजें याद रखिएगा. पहली चीज तो मेरा गिटार कोर्स है जो आपको YouTube में मिल जाएगा. It's absolutely free of cost and it's a nice course, so do check that out. And second चीज है सारे songs के written tabs, chords, lyrics and a lot of other interesting things आपको कहाँ पे मिलेंगे, adithguitarlessons.com. So do check that out. Alright, so I'll see you guys in the next video. This is Adith Kundra signing off. Bye.